Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Are you able to see my screen? Is it my screen is visible? Can you hear me? Okay. तो कितने लोग को याद है कल मैंने आपको ये निफ्टी में फॉलिंग चैनल बताया था और मैंने आपको बोला भी था धीरे धीरे ये 16,500 तक आ जाएगा. Have I told you? कितने लोग को याद है 16,500 तक आ जाएगा ये निफ्टी. याद है धीरे धीरे 17,400 अगर क्रॉस नहीं किया तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये 16,500 तक आ सकता है. करेक्ट. कल हम लोग ने सिर्फ एसटीबीटी ट्रेड लिया था, एक भी बीटीएसटी ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ एसटीबीटी ट्रेड लिया है. करेक्ट. चार एसटीबीटी ट्रेड लिए थे अगर आपको याद है. हम लोगों ने यूपीएल शॉर्ट किया था, यूपीएल शॉर्ट किया था हम लोगों ने 703 में. इसने लो बनाया 681 का, इसमें अगर आपने ट्रेड किया प्रॉफिट आया होगा. वेदांता हम लोगों ने शॉर्ट किया था 354 में, इसमें भी प्रॉफिट आया होगा. बुक कर लो, प्रॉफिट बुक करते जाओ. सन फार्मा हमने शॉर्ट दिया था 843 में, अभी 836 का लो है, 834 का लो है सॉरी. आईटीसी हम लोगों ने शॉर्ट किया था 219 में, 214 का लो है. चारों एसटीबीटी ट्रेड में आपको प्रॉफिट आया होगा, यस और नो प्लीज रिप्लाई. हाउ मेनी ऑफ यू सीन ऑल फोर एसटीबीटी ट्रेड्स? कितने लोगों ने ट्रैक किया, कितने लोगों ने ट्रेड किया, प्लीज रिप्लाई. Reply in the question box fast. कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितने लोगों ने ट्रैक किया, प्लीज रिप्लाई. एसटीबीटी ट्रेड दिया था क्लियरली, चार एसटीबीटी ट्रेड दिए थे और चारों में प्रॉफिट आया होगा. करेक्ट. और निफ्टी का ये चैनल आपको याद होगा, मैंने आपको ये चैनल भी बताया था. मिस्टर आंसर क्लियरली लाइव मार्केट ट्रेड है कोई, मैं आपको रात को 9 बजे डेली एनालिसिस वीडियो नहीं बता रहा, ठीक है, जैसे बाकी लोग बताते हैं. पोस्टमार्टम एनालिसिस हम लोग नहीं कर रहे, वी आर डूइंग एब्सोल्युटली लाइव मार्केट ट्रेडिंग. कल मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था और आज आपके सामने है रिजल्ट. ये रात को 8 बजे 9 बजे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चार्ट्स पे बहुत ईजी होता है क्योंकि मार्केट बंद है, कैंडल चेंज होने वाला ही नहीं है. तो रात को 8 बजे 9 बजे इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, बहुत इजी है डेली एनालिसिस करना. समझ में आ रहा है? विच इज बेटर, लाइव मार्केट ट्रेड जो हम लोग कर रहे हैं दिस इज बेटर, और रात को 9 बजे 8 बजे डेली एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, वो ज्यादा बेटर है? कौन सा बेटर है मिस्टर आंसर? आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये एसटीबीटी ट्रेड्स हम लोग अब रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये चारों में हम लोग ने प्रॉफिट कर लिया है. अब हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स. बट डेली ये व्यू पैटर्न समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई. डेली का ये पैटर्न समझ में आ रहा है, व्यू समझ में आ रहा है? इन दिस फॉलिंग चैनल निफ्टी इज ट्रेडिंग, पॉसिबल टारगेट इज 16,500, वर्स्ट सिचुएशन टारगेट इज 16,000. Worst situation target is 16,000, lower end of the channel. You can see here, lower point of the channel. So worst situation, panic fall situation target is 16,000. Otherwise, immediate target will be 16,500. Correct? This is a 10 to 15 days view, you can say. But we will discuss 15 minute intraday levels also. So abhi hum log intraday levels discuss karenge pehle. 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं. लेट्स स्टार्ट 15 मिनट चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, निफ्टी ओपन डेट सपोर्ट, यस और नो प्लीज रिप्लाई. इज इट ओपन डेट सपोर्ट? 15 मिनट चार्ट एज पर दिस इट्स अ डबल बॉटम, यस और नो? एज पर दिस इट इज डबल बॉटम, ठीक है. और 17,000 का तो सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, उसके बाद अब आता है 16,900 ये सपोर्ट आता है. इनफैक्ट ये 16,800 के आसपास का ही सपोर्ट है. वेट वन मिनट, आवरली चार्ट पे भी सपोर्ट चेक कर लेते हैं.
16,800, 16,900 ये सपोर्ट है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस 17,200 के आसपास रहेगा जो कि प्रीवियस क्लोजिंग है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आया है 17,200 से लेके 17,300। दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी नाउ। ये इंट्राडे लेवल्स है, अगर ये लेवल्स के आसपास आएगा तो हम लोग बाइंग की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे, सपोर्ट के आसपास, या सेलिंग की तरफ आता है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सो 16,850, 840 इस लेवल के आसपास आएगा तो हम लोग बाइंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 16,800 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, करेक्ट। स्टॉप लॉस मस्ट बी बिलो 16,800 स्ट्रिक्टली, बिकॉज इट्स अ फॉलिंग मार्केट, सो यू हैव टू प्लेस अ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 16,800 बिलो। ओके, बैंक निफ्टी भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट है 36,700, 36,800, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट अभी भी दूर है, थोड़ा सा और 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36,600 से लेके 36,800, ये काफी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस भी दूर हो चुका है अभी, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस हो चुका है 37,500 के आसपास, ये करेक्ट, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस यही है। अच्छा, कितने लोगों को याद है कल मैंने आपको बोला भी था निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, कितने लोगों को याद है? याद है मेटल स्टॉक्स हम लोग सेल देख रहे थे, आईटीसी का स्टॉक हम लोग ने सेल एनालिसिस किया था, करेक्ट। मैंने आपको बोला भी था मेटल स्टॉक्स में बास्केट सेलिंग हो रहा है, हैवी सेलिंग हो रहा है, सो निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन सा इंडेक्स शॉर्ट करना चाहिए, यस और नो, याद आया किसी को? हमने फिर रिमेम्बर, मिस्टर गणेश, मिस्टर तेजिंदर, कितने लोगों को याद है? हम लोग ने डिस्कस किया था, करेक्ट। ठीक है, सो निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स क्लियर है। अब हम लोग इंट्राडे ट्रेड्स देखेंगे मॉर्निंग के लिए, इंट्राडे ट्रेड्स और स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड्स, तो स्विंग ट्रेड्स देखेंगे या फिर इंट्राडे ट्रेड्स देखेंगे। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, पहले स्कैनिंग कर लेते हैं। कितने लोगों ने स्कैनर वाला वेबिनार देख लिया? यूट्यूब पे मेंबरशिप में पोस्ट किया हुआ है स्कैनर वाला वेबिनार, लेटेस्ट स्टॉक स्कैनिंग का वेबिनार, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट। ठीक है, यूट्यूब पे मेंबरशिप पोस्ट में किया हुआ है स्कैनिंग ये वाला, वेट वन मिनट, स्कैनिंग कर लेते हैं कौन सा स्टॉक रडार पर आ रहा है। शॉर्ट वाला ट्रेड हम लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन है, तो थोड़ा सा हम लोग बाइंग की तरफ ध्यान देंगे आज, थोड़ा सा। इंडिया बुल रियल एस्टेट एक स्टॉक है जो चल रहा है, वो देखते हैं हम लोग। आईबी रियल एस्टेट, ये एक स्टॉक चल रहा है। ये स्टॉक पे कुछ न्यूज है या कुछ है, व्हाटएवर, इसको चेक करेंगे हम लोग। और दो तीन स्टॉक्स है रडार पर, चेक करते हैं, वेट और मिनट। शॉर्ट वाला ट्रेड नहीं देख रहा क्योंकि शॉर्ट वाले ट्रेड्स में कुछ मतलब नहीं है आज, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग ट्रेड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल एक ही ट्रेड आ रहा है, दैट इज इंडिया बुल रियल एस्टेट, तो इसको हम लोग थोड़ा ट्रैक करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं पहले। इंडिया बुल रियल एस्टेट, ओहो हो, क्या हो रहा है इसमें? इसमें तो फॉल आया है, हाई के लेवल से काफी अच्छा फॉल आया है इसमें, तो इसने टेस्ट किया, ट्राई किया, लेकिन इट्स अ इन्वर्टेड हैमर, अगर आपको दिख रहा है, ये तो बहुत बड़ा फॉल है वापस, इसको तो बाय करना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज द ट्रेंड हियर, ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड? बाइंग नहीं करना है, नहीं करेंगे बाइंग, बाइंग नहीं करेंगे। आवरली कैंडल अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, लेकिन ये कैंडल प्रोग्रेस में अभी फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे,
थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रोग्रेस में ये कैंडल बेरिश है, इट्स अ बेरिश कैंडल, करेक्ट, इट्स अ बेरिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इट इज गेटिंग फॉर्म, इट इज नॉट येट फॉर्म्ड, ओके, इतना समझो, ये कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, अभी तक पूरा फॉर्म हुआ नहीं है, ये आवरली कैंडल है, 10-15 को, 10-15 को कंप्लीट होगा ये, ठीक है, तो हम लोग इसमें थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, इज दैट पार्ट क्लियर, इसको मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेंगे, और दूसरे स्टॉक्स एनालिसिस कर लेते हैं, जस्ट वेट वन मिनट, और दूसरे स्टॉक्स भी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, विप्रो, बजाज ऑटो, ये सब स्टॉक आज थोड़ा है ध्यान में, विप्रो, बजाज ऑटो, सिप्ला, ठीक है, विप्रो, बजाज ऑटो, सिप्ला और HDFC बैंक थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, दो तीन स्टॉक्स है रडार पर, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, बट प्राइस एक्शन समझ में आएगा उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, विप्रो, बजाज ऑटो और सिप्ला, ठीक है, सिप्ला और HDFC बैंक, ये चार ट्रेड थोड़ा समझ में आ रहा है, इसको हम लोग पहले ट्रैक करेंगे। आज फिल्टर में नहीं है, क्योंकि फिल्टर में इसलिए नहीं है क्योंकि 350 पॉइंट का गैप डाउन है, बड़ा गैप डाउन है, फिल्टर में नहीं है स्टॉक, थोड़ा सा हमें स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली ट्रेड करेंगे आज, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करें, एग्रेसिव बाइंग है, यू कैन सी देयर इज अ एक्सट्रीमली हाई बाइंग, काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है, 10 रुपए ऊपर लो से आया है ये, कैन यू सी दिस विप्रो 15 मिनट चार्ट, यस और नो, दिख रहा है क्या विप्रो 15 मिनट चार्ट, बाइंग है सेलिंग है, क्या है, बाइंग है सेलिंग है, क्लियर बाइंग है, करेक्ट, क्लियर बाइंग है, अगर नेक्स्ट कैंडल ये गैप जो है ये गैप के ऊपर बनना स्टार्ट होता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, इज दैट पार्ट क्लियर, गैप के ऊपर फॉर्म होना चालू होना चाहिए, ठीक है, ये गैप फिल किया हुआ है इसने, अब ये गैप के ऊपर अगर कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो ही हम लोग बाई करेंगे, इज दैट पार्ट क्लियर, करेक्ट, तो थोड़ा वेट करेंगे, इसको मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, काफी अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है इसमें, बजाज ऑटो चेक करते हैं, बजाज ऑटो में ट्रेड सेटअप प्रॉपर नहीं है, बाइंग के लिए सेटअप नहीं है, सेलिंग के लिए भी इतना कंफर्मेशन सेटअप नहीं है, तो बजाज ऑटो भी हम लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेम एज इट इज इंडिया बुल रियल एस्टेट वाला पैटर्न है, सेम ये पैटर्न देखो और ये पैटर्न देखो, सेम पैटर्न है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको भी थोड़ा ऐड करके रखेंगे, सिप्ला देखते हैं, सिप्ला में थोड़ा बुलिश कैंडल बना है, आंसर इज यस, बट सिप्ला में ये कौन सा कैंडल बना है मिस्टर राकेश, कैन एनीवन टेल मी, मिस्टर पीवी मूर्ति, आप लोग को तो याद होगा, आप लोग को पता होगा विच कैंडल इज दिस, क्विकली रिप्लाई, HW कैंडल है, करेक्ट, HW कैंडल है, तो इसका हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैंडल का, सिप्ला अगर डे हाई ब्रेक करेगा तो फिर और ऊपर जा सकता है, सिप्ला डे हाई ब्रेक करेगा तो और ऊपर जा सकता है, इसका हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैंडल का, तो ये जरूर ध्यान देना है, HDFC बैंक में कन्विक्शन नहीं है, HDFC बैंक में कन्विक्शन नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे, स्मार्टली ट्रेड लेना पड़ेगा, स्टॉक फिल्टर में नहीं है, फिल्टर में कोई भी स्टॉक नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा, टाइम दो मार्केट को, मार्केट को अगर आप टाइम दोगे मार्केट विल गिव यू अ बेटर ट्रेड्स, पर अगर आप जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा हमें टाइम देना है, लेट्स वेट, हैव पेशेंस, मार्केट अपने आप आपको ट्रेड देगा, इज दैट पार्ट क्लियर, मार्केट अपने आप आपको ट्रेड देगा, आपको सिर्फ मार्केट को टाइम देना है पेशेंसली, ठीक है, सिप्ला इज लुकिंग गुड, सिप्ला में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं बिकॉज सिप्ला इज वेरी मच क्लोजर टू ब्रेक दैट डे हाई, तो सिप्ला में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, यस प्योरली इंट्राडे ट्रेड है,
मैंने मैसेज किया है, चेक करो। प्योरली इंट्राडे ट्रेड है, हैव यू रिसीव्ड मैसेज, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। मैसेज मिला, चेक करो, मैसेज मिला, यस। सिप्ला बाय दिया मैंने, और भी अगर और कोई ट्रेड रडार पर आता है, वेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। सिप्ला एक बेटर कन्विक्शन वाला ट्रेड लग रहा है, और चेक करते हैं। और कोई ट्रेड है नहीं रडार पर, थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। गैप डाउन है ना, गैप डाउन नहीं होता तो प्रॉपर फिल्टर में आ जाते स्टॉक, बट गैप डाउन है तो थोड़ा ट्रेड सिलेक्शन करने में डिफिकल्टी होती है, टाइम लगता है। और इन इंडस्ट्रीज भी जा रहा है, बहुत सारे स्टॉक डाउन है आज। दालमिया भारत भी पिटा, गोदरेज एग्रो भी गया, अदानी ट्रांस भी गया, नजारा टेक्नोलॉजी भी जा रहा है। एग्रेसिव सेल ऑफ है आज, काफी सारे स्टॉक में एग्रेसिव सेल ऑफ है। एनी स्टॉक, और कोई स्टॉक देखते हैं, और कोई फिल्टर में देखते हैं, अगर फिल्टर में मिल रहा है क्या, क्या बात है, एक भी फिल्टर में बाय है ही नहीं। वेट ही करते हैं, कोई स्टॉक है ही नहीं बाय में, थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। विप्रो भी देखो, गैप फिलिंग किया है, वापस नीचे आ रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। विप्रो भी गैप फिलिंग करके वापस नीचे आने लगा है, थोड़ा वेट करेंगे, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। स्टॉक सिलेक्शन टुडे इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज 320 पॉइंट्स का गैप डाउन है, ऑब्वियसली स्टॉक सिलेक्शन विल बी डिफिकल्ट। सिर्फ एक अभी तक सिप्ला ट्रेड प्रॉपर लग रहा है, तो सिप्ला हम लोगों ने लिया है इंट्राडे, वेट करेंगे, कोई घाई नहीं करना है, वेट करेंगे। और एनालिसिस देख लेते हैं, और कोई स्टॉक रेडार पर है क्या, एक स्टॉक थोड़ा समझ में आ रहा है, दैट इज, इसमें भी पैटर्न में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें भी पैटर्न में प्रॉब्लम है, कन्विक्शन वाले ट्रेड नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जबरदस्ती हमें ट्रेड लेना नहीं है। लेट्स वेट, थोड़ा वेट ही करते हैं। ये चार स्टॉक रडार पर रखते हैं, एक एचडीएफसी बैंक भी ऐड कर लेते हैं, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में कभी भी बाय ट्रिगर हो सकता है, एचडीएफसी बैंक में कभी भी बाय ट्रिगर हो सकता है। अभी फिलहाल तो ये चारों ट्रेड ठीक लग रहे हैं, इसमें मार्केट वॉच में ऐड किया है, सिर्फ सिप्ला ट्रेड हम लोग ने लिया है और कुछ नहीं लिया है, क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा अच्छा लग रहा है। यूट्यूब मेंबरशिप पोस्ट में दिया हुआ है मिस्टर गणेश, यूट्यूब मेंबरशिप पोस्ट में दिया हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा लेटर ऑन, ये हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, सो जस्ट डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। निफ्टी इज जस्ट कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन द सपोर्ट, जो सपोर्ट है उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अभी तक कोई फिल्टर में आया नहीं है, सेल वाले स्टॉक फिल्टर में है, आंसर इज यस, बट 320 पॉइंट्स 350 पॉइंट्स गैप डाउन है, अगर यहां से 100 पॉइंट भी निफ्टी रिकवर होगा तो सेल वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट वाले ट्रेड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, शॉर्ट वाले ट्रेड्स पे फोकस नहीं कर रहे, एक या दो ट्रेड सिर्फ बाय ट्रेड लेंगे और एक ट्रेड हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे जो हाई कन्विक्शन होगा। सो
सिंपल हाई कन्विक्शन ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना है। इज दैट पार्ट क्लियर? या तो ट्रेड लेंगे हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड लेंगे, जो समझ में आता है वही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे। ठीक है, कैंडल फॉर्म होने दो, इंडिया बुल रियल एस्टेट का कैंडल फॉर्म होने दो। देखो यहां पर कैंडल फॉर्म होगा, पैटर्न प्रॉपर बनने दो, उसके बाद में ट्रेड लेंगे। मिस्टर अंसर खलीफा, ऑल माय टेक्निकल एनालिसिस स्टूडेंट्स, जितने लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस किया है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल, पूरा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो कौन सा पैटर्न बनेगा? कैन एनीवन टेल मी? मिस्टर अंसर खलीफा, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर राकेश, इंडिया बुल रियल एस्टेट का चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर ये करंट जो कैंडल है, लेटेस्ट जो कैंडल है, ये पूरा ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होता है तो विच पैटर्न विल गेट फॉर्म? कैन एनीवन टेल मी? यस मिस्टर कृष्णा चंद नरवानी, योर आंसर इज राइट। मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होगा, इट विल बी अ बॉटम फॉर्म एंड देन इट कैन मूव अप। ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है फिर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। अगर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे 120-125 तक के टारगेट के लिए, 120-125 तक के टारगेट के लिए। कहां तक जा सकता है ये यहां तक इजीली जा सकता है। अगर आपको मेरा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये यहां तक इजीली जा सकता है क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था। ठीक है, ये ब्रेक हुआ है तो हायर चांसेस है ये वाला सपोर्ट ये टेस्ट कर सकता है। दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, यस और नो? 120 तक जा सकता है ये, करेक्ट? तो इसको आप रडार पर रख लो, इसको रडार में ऐड कर लो, ये जा सकता है। एम्फोसिस मिस्टर कृष्णा चंद्रवानी कल भी बाय था, अगर आपको याद है एम्फोसिस कल भी बाय था, कल भी ये फिल्टर में था और काफी अच्छा चल रहा था, आज भी ये बाय है। आंसर इज यस, आज भी ये बाय है, आज भी इसमें काफी अच्छा नीचे के लेवल से बाइंग आया है। अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे, ये कल भी बाय था, आज भी बाय है। लेकिन अभी एक सिंपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कल मैंने आपको क्यों बाय नहीं दिया? अगर आपको याद है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, याद है? ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये। अगर मैं इसको कल बाय देता तो आज मॉर्निंग में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, यस और नो? मिस्टर कृष्णा चंद्रवानी, अगर मैं इसको कल बाय देता ना तो ये मॉर्निंग में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता आपका, करेक्ट? यस, इसलिए मैंने आपको कल बाय नहीं दिया। एक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है लेकिन मेरे हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन आई थिंक लेना चाहिए। ले लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं है लेकिन मुझे लगता है अगर ये चला तो इंट्राडे में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, मैंने मैसेज किया है, चेक करो। इंडिया बुल रियल एस्टेट, आईबी रियल एस्टेट, 105 का स्टॉप लॉस दिया मैंने, चेक कर लो। थोड़ा सा रिस्की है, कम क्वांटिटी करना, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत करना। 110 के ऊपर गया तो फिर ये क्लियर बाय है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर ये मॉर्निंग स्टार बना देगा, इट कैन मूव अप वेरी फास्ट। थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव ट्रेड ले रहे हैं तो ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत करना। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पे ध्यान दो, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है इंट्राडे में प्रॉफिट दे सकता है, एचडीएफसी बैंक चल सकता है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखो, यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा खासा ट्रायंगल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिल सकता है इसमें, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है। दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन, यस और नो? कंसोलिडेट कर रहा है ये, ट्रायंगल बना रहा है ये पैटर्न, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? प्लीज रिप्लाई। इट्स अ प्रॉपर ट्रायंगल, इट्स अ प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा? यस, इट्स अ प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न। मैंने आपको अभी तक सिप्ला बाय दिया है, चलना चालू हो गया है, इंडिया बुल रियल एस्टेट बाय दिया है, ये भी चलना चालू हो गया है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? प्लीज रिप्लाई। दो ही ट्रेड दिए मैंने,
दो ही ट्रेड दिए, दोनों में मूवमेंट आना चालू हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई वेट एंड देन टेक ट्रेड। मैं क्यों वेट करता हूं और क्यों हाई कन्विक्शन ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करता हूं, ये समझ में आ रहा है? करेक्ट। हम लोग वेट करके स्मार्टली एनालिसिस करके फिर बाद में ट्रेड लेते हैं, जबरदस्ती नहीं कि 916 को ट्रेड ले लिया, कोई एनालिसिस नहीं कुछ नहीं, 916 को ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट। दो ही ट्रेड लिया अभी तक, दोनों में आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया होगा। इंडिया बुल रियल एस्टेट मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 120 तक भी ये जा सकता है, 120 तक भी जा सकता है। एम्फेसिस हम लोग ट्रेड लेंगे, मेरे हिसाब से एम्फेसिस थोड़ा स्विंग ट्रेड टाइप लेना चाहिए, क्योंकि ठीक है इसको थोड़ा स्विंग ट्रेड टाइप लेते हैं, मतलब बाय ले रहे हैं बट स्विंग में ले रहे हैं, इंट्राडे के लिए हिसाब से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एम्फेसिस 30 स्विंग के हिसाब से ले रहे हैं इसमें, इसमें मुझे लगता है करेक्ट 3,250 और 3,400 तक का टारगेट पॉसिबल है इसमें, इतना पॉसिबल है इसमें टारगेट स्विंग ट्रेड में। एम्फेसिस मैंने मैसेज किया है, चेक करो मैसेज मिला या नहीं, चेक माय मैसेज, मिला एम्फेसिस बाय, एम्फेसिस बाय मिला, यस और नो? इंडिया बुल रियल एस्टेट बाय मिला, सिप्ला बाय मिला, तीन ट्रेड दिए, सिप्ला बाय, इंडिया बुल रियल एस्टेट बाय और एम्फेसिस बाय, तीनों ट्रेड मिले होंगे। मिस्टर तेजिंदर सिंह आप प्राइवेट ग्रुप में देख रहे हो ना, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में देख रहे हो ना, यस और नो? बिकॉज यू हैव नॉट एडेड इनटू व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप पे नहीं हो तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में देख रहे हो ना ट्रेड, यस और नो? हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको व्हाट्सएप पे ऐड नहीं किया अभी तक, बाकी जितने भी मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो सबको व्हाट्सएप पे ट्रेड मिल रहा होगा। सो एम्फेसिस लिया है, देखो एचडीएफसी बैंक भी चलना चालू हुआ, मैंने आपको बोला एचडीएफसी बैंक में बाइंग की तरफ ध्यान देना है, Have I told you, ये भी चलना चालू हुआ। देखो फॉलिंग मार्केट में मैंने आपको तीन बाय ट्रेड दिए हैं और तीनों में प्रॉफिट आ रहा है, फॉलिंग मार्केट में, इट्स अ बेरिश मार्केट, बिग गैप डाउन, बट मैंने आपको तीन बाय ट्रेड दिए, थोड़ा सा स्मार्टली एनालिसिस किया, वेट करके ट्रेड लिया है और आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी 10 बजे का कैंडल याद है, 10 बजे का कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? सब लोग को पता है 10 बजे का कैंडल का हम लोग वेट करते हैं, पता होगा आपको, करेक्ट? 10 बजे का कैंडल का वेट करेंगे उसके बाद में ट्रेड लेंगे, ये पूरा कैंडल फॉर्म होने दो, 1-2 मिनट और ऊपर जाने दो चलेगा, उसके बाद ट्रेड लेंगे। बजाज ऑटो मुझे अब स्ट्रांग लग रहा है, बजाज ऑटो में जो पैटर्न बन रहा था ना, गैप का जो पैटर्न था ये अब देखो ये इग्नोर हो चुका है, बजाज ऑटो अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, बजाज ऑटो रेडार पे रखो, इसमें ट्रेड मिल सकता है हमें, इसको थोड़ा हम लोग रेडार पर रखेंगे बजाज ऑटो। एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा बेटर मुझे बजाज ऑटो लग रहा है, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है कि पूरा गैप फिल कर सकता है, ये जो गैप डाउन का है ना, ये जो गैप है ना, दिस गैप कैन फिल, 15-20 तक जा सकता है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक मुझे ये लग रहा है, बट बजाज ऑटो मुझे एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे। इंडिया बुल रियल एस्टेट 109 नाउ, आर यू ऑल वॉचिंग, प्लीज रिप्लाई। 109 इंडिया बुल रियल एस्टेट दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, 10 बज गया है, एक बार वापस स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं। HDFC बैंक में मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, तो ट्रेड जस्ट ऐसे ही मैं बोल रहा हूं तो वैसे मत ले लेना, ट्रेड मैंने नहीं दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको हाई कन्विक्शन ट्रेड दिया है, जो मुझे लग रहे हैं कि इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहिए वही ट्रेड लिया है। HDFC बैंक या बजाज ऑटो में ट्रेड नहीं लेना है,
सिर्फ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अगर ट्रेड होगा तो मैं आपको ट्रेड दूंगा, व्हाट्सएप करूंगा मैं। परफेक्ट, स्कैनिंग कर लेते हैं कौन सा स्टॉक रडार पर आ रहा है। चलो एक दो स्टॉक आया, धनी आज भी 5% डाउन है, 17% डाउन है इनफैक्ट, 5% नहीं, धनी स्टॉक आज भी गया, धनी स्टॉक आज भी गया है। और एक बार हम लोग शॉर्ट में भी कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड है क्या वो चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कितने लोगों को याद है, मैंने आपको लास्ट वेबिनार में कल बैंक ऑफ बड़ौदा डिस्कस कर रहे थे, याद है? खराब लग रहा है, मैंने आपको बोला भी था बैंक ऑफ बड़ौदा खराब लग रहा है, कितने लोगों को याद है, हमने फिर रिमेम्बर, प्लीज रिप्लाई। यस मिस्टर विशाल पलटा, यू कैन डू। बैंक ऑफ बड़ौदा खराब लग रहा है, कितने लोगों को याद है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था, याद है? मैंने आपको बोला भी था बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, शॉर्टिंग वॉल्यूम हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तभी प्राइस था 105 अगर आपको याद है, और अभी आप देखो प्राइस हो गया 101, और इसने लो भी काफी अच्छा बनाया, आई थिंक 98 तक का, 99 तक का लो बना दिया, ठीक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे वीक लग रहा था, इसलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड में थोड़ा सा मुझे कन्विक्शन कम था बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे वीक लग रहा था, ठीक है? ये मैंने आपको बोला भी था। एम्फेसिस चलना चालू हुआ, इंडिया बुल रियल एस्टेट 109, सिप्ला चलना स्टार्ट हुआ है, बजाज ऑटो में मैं आपको ट्रेड दे सकता हूँ कभी भी, थोड़ा एक्टिव रहना बजाज ऑटो में, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा में रिमूव कर रहा हूँ, और ट्रेड देखते हैं और कोई स्टॉक रडार पर आ रहा है क्या, बजाज ऑटो में ट्रेड मिल सकता है अभी, थोड़ा एक्टिव रहना उसमें, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, ट्रेड मिल सकता है उसमें, अगर उससे बेटर को ट्रेड मिल रहा है तो वो लेंगे, अदरवाइज बजाज ऑटो लेंगे। एम्फेसिस आ गया है भाई, एम्फेसिस चलेगा, एम्फेसिस फिल्टर में भी आ गया है, एम्फेसिस फिल्टर में भी आ गया, एम्फेसिस चलेगा, ठीक है? एम्फेसिस फिल्टर में भी आ चुका है तो चलना चाहिए, एम्फेसिस हायर चांस है 3-1, और कोई फिल्टर में है नहीं, बजाज ऑटो एक सिर्फ फिल्टर में आ सकता है, वो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ऑन द वर्ज ऑफ फिल्टर में है, सिर्फ एक बजाज ऑटो है जो आ सकता है, एचडीएफसी बैंक में ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इंडिया बुल रियल एस्टेट माल लाओ 110, आर यू वॉचिंग? इंडिया बुल रियल एस्टेट चलना चालू हुआ 110 दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। मैंने क्या टारगेट दिया है, ट्रेलिंग एसएल करना है बस, कुछ नहीं करना है, लिया है मैंने इसको, मैंने भी लिया है इंडिया बुल रियल एस्टेट चलना चालू हुआ। ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड मिलेगा तो मैं दूंगा, जबरदस्ती नहीं दूंगा, जबरदस्ती हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज यू वांट ट्रेड इसलिए मैं आपको ऑप्शंस राइटिंग ट्रेड जबरदस्ती दे दूं, वो नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है? ये बजाज ऑटो कभी भी फिल्टर में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, वेट करेंगे, बजाज ऑटो फिल्टर में आ सकता है। एचडीएफसी बैंक भी चलना चालू हुआ है, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है, बैंक निफ्टी तो भागा, बैंक निफ्टी तो मैंने आपको बोला भी राइट, वेबिनार के स्टार्ट में ही क्या बोला मैंने आपको कि स्टिल बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, हैव आई टोल्ड यू दिस, ये मैंने आपको क्लियरली बोला राइट, वेबिनार के स्टार्ट में ही मैंने आपको बोला, और मैंने आपको ये भी बोला कि एचडीएफसी बैंक बाय लग रहा है, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग लग रहा है, करेक्ट? एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग लग रहा है, ये भी मैंने आपको बोला 15-20 तक जा सकता है, ये गैप फिलिंग कर सकता है, ठीक है? बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी इतना ट्रेड लिए हैं तो इसलिए हम लोग ने और एग्रेसिवली बाइंग नहीं किया, बट थोड़ा वेट करेंगे, प्रॉफिट आने दो, प्रॉफिट आएगा,
ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, बैंक निफ्टी अगर घूमा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इससे बेटर है कि थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। बजाज ऑटो मुझे लग रहा है बाइंग में आ सकता है, बजाज ऑटो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, ये आ सकता है बाइंग में। इंडिया बोल रियल एस्टेट माल लाओ, आर यू वॉचिंग प्लीज रिप्लाई 111 स्मार्टली ट्रेड करो, थोड़ा वेट करके ट्रेड करो एंड ओनली हाई कन्विक्शन ट्रेड करना है। मिस्टर अंसर, मिस्टर अंसर खलीफा, क्या वो है वो सबर का फल मीठा होता, राइट? सबर का फल मीठा होता, राइट? वेट करके ट्रेड लेंगे तो ट्रेड प्रॉपर मिलेगा। मैंने आपको बोला भी राइट कि आपको मार्केट को, आप मार्केट को टाइम दो, मार्केट आपको ट्रेड देगा, ये मैंने आपको बोला मॉर्निंग में ही। आप मार्केट को टाइम दो, मार्केट आपको अपने आप ट्रेड देगा, कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। और स्कैनिंग करते हैं अगर और कोई ट्रेड मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। एम्फोसिस तो आया है रेडार पर, एम्फोसिस तो इट्स क्लियर बाया, एम्फोसिस चल सकता है। और कोई स्टॉक रेडार पर नहीं आया है अभी तक, तो थोड़ा वेट करेंगे। नहीं, एम्फोसिस ही आया है अभी तक बाय, और कोई बाय नहीं है। वॉल्यूम स्कैन में भी देख चेक कर लेते एक बार। अदानी ट्रांस, अदानी ट्रांस और अदानी ग्रीन ये चेक करेंगे, ये दो स्टॉक चेक करेंगे, अदानी ट्रांस अदानी ग्रीन ये दोनों स्टॉक चेक करेंगे हम लोग। ये दोनों स्टॉक लग रहा है, इसको ऐड करते हैं अदानी ट्रांस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये दोनों स्टॉक लग रहे हैं, यहां से ऊपर जा सकता है, चेक करते हैं। अच्छा, अदानी ट्रांस ये थोड़ा बाइंग लग रहा है, पैटर्न उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू दिस, उतना स्ट्रांग नहीं है पैटर्न। और ये बना है इसमें एच डब्ल्यू कैंडल, दिख रहा है क्या एच डब्ल्यू कैंडल बना है इसमें? मिस्टर आंसर दिख रहा है, एच डब्ल्यू कैंडल है ये, एच डब्ल्यू कैंडल इज अ रिवर्सल कैंडल, इसका हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदानी ग्रीन भी चेक कर लेते हैं, अदानी ग्रीन में भी वैसी कुछ, वैसा ही कुछ हालत है। अदानी ग्रीन में अगर आप देखो फ्लैट पैटर्न बन रहा है अवरली चार्ट पे, इसने ब्रेकआउट दिया था, वापस ब्रेकआउट फेल हुआ, और इसमें भी थोड़ा सा कन्विक्शन है बट थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वेट करके ट्रेड लेंगे दोनों में, बट ऐड करके रखो मार्केट वॉच में, पैटर्न अच्छा है ऐड करके रखो, पैटर्न अच्छा है। आज का ट्रेड ऑफ द डे मेरे हिसाब से एम्फोसिस हो सकता है, एम्फोसिस में काफी ज्यादा वॉल्यूम है, ट्रेड ऑफ द डे कैन बी एम्फोसिस। एम्फोसिस थोड़ा मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपेरेटिवली, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है इसमें, एंड आई थिंक ये इजिली, अगर आप ये आवरली चार्ट देखो तो ये इजिली 3200 3300 तक इजिली जा सकता है। ठीक है, इजिली जा सकता है, तो एम्फोसिस कैन बी अ ट्रेड ऑफ द डे, ये जरूर ध्यान देना। ऑब्वियसली वोलेटिलिटी तो रहेगा मिस्टर धीरज, ये इंडिया बुल रियल एस्टेट में वोलेटिलिटी तो रहेगा, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपने बाई किया है तो इसलिए 115 120 हो जाए एक ही कैंडल में, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आपने बाई किया इसलिए 115 हो जाए, करेक्ट? यू आर नॉट FII मिस्टर धीरज, आप FII नहीं हो, इंडिया बुल रियल एस्टेट आपने बाई किया इसलिए 115 हो जाए, करेक्ट? वो अपने हिसाब से होगा 115, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या सिखाया है, 50% क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना है, 50% क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द रूल,
Tejinder, Mr. Ganesh, what is the rule? 50% quantity profit book करना है. 50% quantity क्या करेंगे? Cost price पे stop loss लगा देंगे. Correct. याद है ना? 50% quantity का cost price पे stop loss लगा देना है. अब समझ में आया मैंने HDFC में buy trade क्यों नहीं दिया HDFC bank में? मैंने अभी भी आपको मैसेज नहीं किया, भले ही मुझे कन्विक्शन है लेकिन मैंने मैसेज नहीं किया आपको, ठीक है? क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सपोर्ट लेवल टेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने एचडीएफसी बैंक में आपको ट्रेड दिया नहीं. हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड दिया नहीं है मैंने, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी लेवल पे है, निफ्टी थोड़ा ट्रिकी लेवल पे है, तो जो कन्विक्शन वाले ट्रेड है सिर्फ वही ले रहे हैं हम लोग, और कोई ट्रेड नहीं ले रहे. एम्फोसिस चलना चालू हुआ क्या? यस और नो प्लीज रिप्लाई क्विकली, टेल मी एम्फोसिस. एम्फोसिस व्हाट इज द प्राइस? चलना चालू हुआ. सिप्ला 905, सिप्ला भी चलना चालू हुआ. मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये रात को 9 बजे 8 बजे वेबिनार नहीं हो रहा है. यू कैन सी द टाइमिंग, प्योरली लाइव मार्केट वेबिनार है, लाइव ट्रेड दे रहा हूं, एंड लाइव हम लोग जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं इट्स अ रियल प्रॉफिट, लाइव प्रॉफिट. करेक्ट? यस और नो? नो वन विल गिव यू सच काइंड ऑफ वेबिनार. ऐसा लाइव मार्केट में आपको कोई वेबिनार नहीं देगा. रात को 8 बजे 9 बजे एनालिसिस करना बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी. इवन अ चाइल्ड कैन डू एनालिसिस, एक छोटा बच्चा भी एनालिसिस कर सकता है रात को 9 बजे. यस और नो? रात को 9 बजे तो एक छोटा बच्चा भी एनालिसिस कर सकता है ना. हीरो मोटो, यस इट कैन बी अ वेरी गुड बाय मिस्टर विक्रांत. थोड़ा सा एक मिनट इसमें देखो, इसमें यहां पर इसने सपोर्ट लिया है, बट अगर आप मिस्टर विक्रांत नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट ट्रेडिंग इन अ चैनल? एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, लोअर एंड ऑफ अ चैनल है इसीलिए हम लोग बाय कर सकते हैं, लोअर एंड ऑफ अ चैनल है इसलिए बाय कर सकते हैं. सेकेंड रीजन, इसमें हैमर बना है. इसमें अगर आप डेली चार्ट पे देखो इट्स अ हैमर कैंडल, दिख रहा है? डेली पे देखेंगे ना इट्स अ हैमर कैंडल. करेक्ट? तो बाइंग कर सकते हैं, आंसर इज यस, हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं. बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसको डे हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद बाई करेंगे. डे हाई क्रॉस होने दो या 2700 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होने दो, उसके बाद बाई करेंगे. मिस्टर तेजिंदर सिंह, मिस्टर गणेश, मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मिस्टर शेखर, दत्रिका शेखर, दत्रिका चंद्रशेखर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इंडिया बुल रियल एस्टेट प्लीज टेल मी. मिस्टर शिरीशा, व्हाट इज द प्राइस इंडिया बुल रियल एस्टेट, क्या प्राइस है? इज इट स्टार्टेड मूविंग? यस और नो? इज इट स्टार्टेड मूविंग? 108 में हम लोग ने बाई किया है, चलना चालू हुआ, माल मिल रहा उसमें. मिस्टर अंसर इज टेलिंग माल मिल रहा उसमें. सिर्फ ट्रेलिंग एसएल करना है, कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ट्रेलिंग एसएल करना है, ठीक है? हीरो मोटो अगर 2700 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक दो कैंडल फॉर्म होने दो, उसके बाद ही बाय करेंगे, ठीक है? वरना जो ट्रेड लिया उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है. सिप्ला भी चल रहा है, सिप्ला भी 905 का हाई बना है, सिप्ला भी चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो मॉर्निंग का काम तो हो चुका है, अब हम लोग मिलेंगे आफ्टरनून वेबिनार में. आफ्टरनून वेबिनार टाइमिंग इज 2:30 to 3:15, 2:30 बजे वेबिनार चालू होगा. तो आफ्टरनून वेबिनार का लिंक भी आपको मिला होगा, मैंने मैसेज जो दिया उसमें क्लियरली लिखा है, फर्स्ट लिंक इज मॉर्निंग वेबिनार, सेकेंड लिंक इज आफ्टरनून वेबिनार. तो 2:30 को मिलेंगे आफ्टरनून वेबिनार में. हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू.
See you in afternoon webinar.